नमस्कार नमस्कार उद्धव जी, नमस्कार। मैं कुमार सानू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीएमसी ने मेरा ये कोविड काल में बीएमसी ने मेरे को बहुत संभाला और बार बार फ़ोन करके डॉक्टर के बाद बात कराया, बार बार बात किया और लोगों ने हाल पूछा, मेरे को अच्छी तरह से नज़र पे रखा था कि कोई ख़राब ना हुए। वन सेकेंड थैंक्स फॉर दिस, बीएमसी का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट था। एंड ये कोरोना काल से मैं कोविड से अभी मैं निकल के बाहर आया एंड नेगेटिव आया, बट क्या है कि चेस्ट में थोड़ा सा कंजेशन है अभी भी, इसके लिए दवाई चल रहा है, मैं आइसोलेशन में हूँ अभी भी। ये कोरोना काल में मैंने सुना मेरा बेटा जान ने बहुत ही एक गलत बात कहा, जो कि हम इस 41 साल में कभी सोचा भी नहीं था, ना सोच सकता था कि जिस मुंबई देवी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया था और जिस तरह से मुझे एक नेम फेम से लेके सब कुछ दिया उन्होंने, उस मुंबई देवी या उस महाराष्ट्र के बारे में ऐसा कोई बात मैं तो सोच नहीं सकता कभी। हालांकि मेरे बेटे जिसने ये बात कहा कोई भी लैंग्वेज के बारे में, मैं तो सारा भारत का जितने भी लैंग्वेजेस है सारा लैंग्वेजेस का मैं आदर करता हूँ और मैं आदर व्यक्त करता हूँ, मैं सारे लैंग्वेज को प्यार करता हूँ, सारे लैंग्वेज में मैं गा चुका हूँ। मेरा बेटा जो है वो 27 साल मैं इन लोगों के साथ नहीं हूँ, हम 27 साल से अलग हैं करीब। तो ये उनका माँ का क्या शिक्षा है, किस तरह से शिक्षा दिया, किस तरह से इस तरह के बात कह सकते हैं, ये मेरा समझ के बाहर है। तो आई एम सॉरी, आई एम पहले से ही, और एक बार मेरे बेटे होने के नाते मैं क्या करूँ, एक बाप होके मैं माफ़ी मांग सकता हूँ आप लोगों से एंड बाला साहब के जन्मदिन से लेके हर काम में मैं हमेशा से जुड़े रहे आप लोगों के साथ, और इस तरह की बातें सुनने के बाद मेरे से रहा नहीं गया। तो मैं प्रताप सरनाई जी से बात किए, उनसे बात किए और उनसे बात करके मैं आपका उनसे सारा बात कर लिया। उन्होंने मुझे बताया कि भाई कुमार जी आप चिंता मत करो, तो जो भी है एक बार और मैं क्षमा मांगूंगा, एक बार और मैं क्षमा मांगूंगा कि बेटे की तरफ से क्या करूं। हालांकि मैं साथ में नहीं हूं, फिर भी ये बात सुनने के बाद कोई भी इंसान जिनको सब कुछ दिया इस धरती ने, इस महाराष्ट्र की धरती ने, इस मुंबई की धरती ने, वो कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं। आज वो जो कुछ भी पहन रहे, जो कुछ भी खा रहे, जो कुछ भी जी रहे, जिस तरह से भी जी रहे, सब ये धरती, ये महाराष्ट्र की धरती ने दिया हुआ है। तो मैं क्या कहूँ, ऐसा नालायक बुजदिली बात नहीं करनी चाहिए थी। जो भी है माफ़ कर दीजिएगा। और प्रताप जी से मैं बात कर लिया और वन सेकेंड थैंक यू कि आपने बहुत अच्छी तरह से बीएमसी जो है इतने अच्छी तरह से मुझे संभाला, रेगुलर खबर लेना। कोविड से मैं बाहर आ गया बट निमोनिया के लिए मैं थोड़ा सा और कुछ दिन ट्रीटमेंट में रहूँगा। थैंक यू, मुझे माफ़ कर देना, मेरे परिवार को माफ़ कर देना, मेरा एक्स परिवार को भी माफ़ कर देना।